प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा कोरोना महामारी को लेकर प्रधानों की अहम भूमिका के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के 58,176 ग्राम प्रधान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गांव के विकास को लेकर बजट के सही इस्तेमाल की बात कही। वर्चुअल संवाद के दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। गोरखपुर के NIC हॉल में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने पिछले दिनों कई गाँवों का दौरा किया, लेकिन कई जगहों पर अभी भी मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक बनाएं और भीड़ भाड़ ना होने दें। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को जिनमें बुखार खांसी हो उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को 24 घंटे के भीतर बुलाकर उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाए। ग्राम प्रधानों को मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानों की ये जिम्मेदारी है कि गांव में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उस पर निगाह रखी जाए। यूपी में कोरोना काबू में आया है। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानों का लक्ष्य हो कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गाँव हो। उन्होंने कहा कि हमने एक सर्वे कराया था जिसमें 32% गाँवों में संक्रमण पाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 68% गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जागरूकता के चलते संक्रमण को दूर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाली बरसात को लेकर भी सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियां आती हैं, ऐसे में गांव को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका अहम होगी। मुख्यमंत्री ने साफ सफाई पर जोर देते हुए कहा कि गांव में सप्ताह में 2 से 3 बार स्वच्छता अभियान व्यापक रूप से चलाएं। सीएम योगी ने नए ग्राम प्रधानों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया। इसके अलावा निगरानी समितियों की भी तारीफ की। स्वच्छ पेयजल के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है, साथ ही पानी को उबाल कर पिए और सभी बीमारियों से दूर रहें। ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में किया गया है एवं अब तक 39,000 आमंत्रित करना चाहूंगा भदोही मल्लावा के श्री संपूर्णानंद जी को। इनका गांव इस ब्लॉक का बहुत बड़ा गांव है, 4600 की आबादी का गांव है। ये पहले BDC के सदस्य भी रह चुके हैं और इनकी विशेषता ये रही है कि पिछले 2 महीने में इन्होंने कोरोना पे विशेष रूप से काम किया है और ये प्रातः पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्वयं के व्यय से लेकर 8 बजे प्रारंभ करते थे और पूरे गांव में एक जागरूकता का इन्होंने कार्यक्रम चलाया और निगरानी समितियों को बहुत ही एक्टिव तरीके से इन्होंने मदद करी। मैं श्री संपूर्णानंद जी को आमंत्रित करता हूँ हरदोई से वार्ता के लिए। नमस्ते संपूर्णानंद जी, कैसे हैं आप? आप प्रधान चुने गए हैं, आपको मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, इसी हो रही है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत का। कौन क्लास तक आप पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किया है सर। अच्छा, तब से पहले आप BDC मेंबर थे 5 साल? जी सर। बहुत सुंदर। और इस बार जब आपने पिछली बार अच्छा काम किया तो इस बार गांव के लोगों ने आपको ग्राम प्रधान चुना। जी सर। क्या काम कर रहे हैं आप लोग गांव में? BDC मेंबर के रूप में क्या काम आपने किया था और इस समय जब प्रधान चुने गए हैं तो क्या कार्य योजना आपने तय की है? BDC मेंबर में सर मैंने कोई खास विकास कार्य करा नहीं पाया कुछ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल रूप से लोगों का सहयोग किया है की आवश्यकता अनुसार। और कोरोना काल में मेरे साथ सबसे पहले अपने गाँव को एम्बुलेंस मुहैया कराई है, जैसे मुझे महसूस हुआ कि हमारी सीएससी में एम्बुलेंस 25 तारीख तक मौजूद हो पाती थी तो मैं कार आसानी से 5 से 10 मिनट में करता हूँ। जब भी कोई मेरे पास कार आती है मैंने एक अपना नंबर जी को प्रेस किया रखा है, जब भी कोई कार आती है मैं कोशिश है 5 से 10 मिनट में अपने मरीजों तक एम्बुलेंस पहुँचाता हूँ। एक बार ऐसी स्थिति आई कि
निकाला है मेरे पास, तो लेके घर घर सैंपलिंग हुई, जिसमें 109 लोग सैंपलिंग हुई, बाकी ये सबका रियल रोल चेक किया गया, उसमें 8 लोग पॉजिटिव पाए गए, तो उनको होम क्वारंटाइन कराया और होम क्वारंटाइन बाद ठीक हो गए सारे। अभी आपके सहयोग से आशीर्वाद से मेरे गांव में कोरोना पॉजिटिव हुई और लगभग स्थिति सामान्य हो चुकी है। अभी वैक्सीनेशन की कल ड्रेस बनाई गई है रजिस्ट्रेशन की, और वैक्सीनेशन भी हमारे यहाँ 705 करोड़ का हो चुका है और सेकेंड डोज भी सर 284 लोगों का चुका है। आपके गांव में क्या क्या है, क्या 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 सुविधाएं गांव में है? पंचायत भवन है सर मेरे यहाँ, और एक और विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, निजी विद्यालय है। आदरणीय राज्यपाल महोदया, प्रदेश में पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं MSME श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण और त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था से जुड़े हुए जो अब सबसे अहम कड़ी है ग्राम प्रधानों की, प्रदेश के 58,000 नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण, मैं सबसे पहले आदरणीय राज्यपाल महोदया का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी ग्राम प्रधानों को कोरोना कालखंड में चुनौती से जूझते हुए ग्राम प्रधान चुने जाने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना से जूझते हुए भी आपने हिम्मत नहीं हारी और पूरी मजबूती के साथ इस अभियान के साथ लड़ते रहे। आप में से बहुत सारे ग्राम प्रधानों ने तो कोरोना की द्वितीय लहर में परिणाम आने के बाद से ही शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर दिया और उसका परिणाम हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के बारे में विशेषज्ञ ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश इस द्वितीय लहर की चपेट में सबसे ज्यादा होगा और यहां की स्थिति सबसे खराब होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, जनता जनार्दन का सहयोग और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि उत्तर प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति में है। जिस प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ 30 लाख से अधिक कोरोना के सक्रिय केस होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 52,000 सक्रिय केस हैं। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा केस प्रतिदिन आएंगे, आज वहाँ पर मात्र 3,200 केस ही आए हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति जब मिलकर के टीम भावना के साथ कार्य करता है तो उसके परिणाम भी इसी प्रकार से सामने आते हैं और हमारी पंचायत राज की व्यवस्था भी इसी पर आधारित है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस पूरे व्यवस्था के साथ पहली बार ये हो रहा होगा कि जब ग्राम प्रधानों को देश का कोई राज्यपाल संबोधित करे और अपना मार्गदर्शन दे। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि यह पहली बार हो रहा है कि जब एक साथ राज्यपाल महोदय का भी और मुख्यमंत्री का भी आपके साथ सीधे संवाद हो रहा है। आप अपनी कीमत और अपनी अहमियत को समझ सकते हैं कि कितना मजबूत आधार लोकतंत्र का आपके पास है कि हम लोगों को स्वयं आपके साथ संवाद बनाना पड़ रहा है। मुझे केवल आपसे कुछ अपील करनी है। एक, हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दूसरी लहर को और कोरोना को हम समाप्त कर सकते हैं।
लोगों को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश के गांव इससे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन मैं ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनाई गई निगरानी समिति को धन्यवाद दूंगा। किस निगरानी समिति ने गांव में घर घर जाकर की स्क्रीनिंग का काम किया और एक एक व्यक्ति जो भी लक्षण युक्त था उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने, स्वच्छता सैनिटाइजेशन फॉगिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने। मैं तो सहारनपुर में गया था, सहारनपुर के एक गांव में जब मैं गया तो मैंने देखा कि गांव में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, उसके पास होम आइसोलेशन के लिए व्यवस्था नहीं थी, तब तक ग्राम प्रधानों का शपथ भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव की प्रधान ने गांव के पंचायत भवन में कोरोना संक्रमित को रख करके अपने घर से भोजन लेके आती थी, भोजन निगरानी समिति के माध्यम से उसको भोजन करवाती थी, गांव की साफ सफाई का ध्यान तब भी रख रही थी। यह बड़ी बात थी कि शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के अध्यक्ष तब तक प्रधान नामित नहीं हुए थे, लेकिन कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आज उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सर्वाधिक खराब होगी, और उत्तर प्रदेश आज सबसे सुरक्षित स्थिति में, सबसे अच्छी रिकवरी दर हमारी है, सबसे अच्छी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश को लेकर के चले जाने में सफल हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही, यह एक कोरोना जो वायरस है यह बहुरूपिया भी है और बड़ा धूर्त भी है, हमें इसके बारे में सचमुच सतर्क रहना पड़ेगा, लापरवाह नहीं होना होगा। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी यह बनती है, देखिए अभी आप में से 58,000 ग्राम पंचायत आज संवाद बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ग्राम पंचायतों का भी गठन आप लोग नहीं कर पाए हैं, जो सदस्यों का चयन होना है, इसका प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अगले 12-15 दिन के अंदर काम आप प्रारंभ करिए निगरानी समिति के साथ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे तो अब आगे हमें व्यक्ति के जीवन को ही बचाना है और उसकी जीविका को भी, रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी आप सबसे अपील है कि निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में हमें गांव में हर दूसरे तीसरे दिन स्क्रीनिंग का कार्य, एक एक घर में जाकर के सर्वे करना, पूछना किसी को, एक तो निगरानी समिति को हम लोगों ने इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर दिया था और सैनिटाइजर दिया था, निगरानी समिति के प्रत्येक सदस्य और सदस्य के पास मास्क भी होना चाहिए, ग्लव्स भी होना चाहिए। गांव में जरूरतमंदों को अगर हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से मास्क उपलब्ध करवाने में भी योगदान दे सकें, आप प्रशासन से ही मांग सकते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति को आदत डालना पड़ेगा कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने पिछले 25-26 दिनों में बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया है, मैंने देखा है कि अभी भी एक तबका है जो मास्क नहीं लगा रहा है, ये लापरवाही है और इसलिए मास्क जरूर लगाने की स्थिति। दूसरा, भीड़ भाड़ कहीं ना होने दें। तीसरा, एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करना, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, बालक हो, बालिका हो, प्रत्येक की जांच करना, किसी को सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, बुखार है, उन सबको मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना। मेडिसिन किट उपलब्ध कराने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम को वहां बुला करके उनका एंटीजन टेस्ट करवा देना, उसमें भी अगर कोई संदिग्ध लग रहा है कि नहीं इसमें लक्षण तो हैं लेकिन एंटीजन टेस्ट में उस व्यक्ति का पॉजिटिव नहीं आया है, तो उन लोगों को फिर से टीम बुलवा करके आरटीपीसीआर का सैंपल भिजवा देना, लेकिन तब तक हमें देखना होगा कि वह व्यक्ति इधर उधर घूमे ना, घर में आइसोलेट रहे या पंचायत भवन में सुरक्षित ढंग से उसके रहने खाने की व्यवस्था आप कर लेंगे, एक तो ये कार्य वहां पर करना। दूसरा, बाहर से कोई भी व्यक्ति गांव में आता है उस पर निगाह रखना, उस व्यक्ति के लिए पहले गांव के बाहर ही पंचायत भवन में या विद्यालय में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करना, उसकी प्रॉपर जांच करवा लेना।
और जांच कराने के बाद आप इस बात को संतुष्ट हो जाएं कि इस व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण नहीं, तो व्यक्ति गांव में जा सकता है। अन्यथा आपको गांव में एक पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अब एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। हमने सर्वे कराया था, केवल 32% गांव में ही कोरोना के संक्रमण पाए गए थे। तब भी हमारे 68% गांव ऐसे थे जिनमें कोरोना का कोई संक्रमण नहीं था। यानी गांव के लोगों ने अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से अपने गांव को सुरक्षित रखा, लेकिन हमें अभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो सबसे पहले कोरोना से बचाओ, दूसरा बरसात आने वाला है, और बरसात जब आती है तो बरसात अपने साथ बहुत बार बीमारी भी लेके आती है। देखिए, इसी में मस्तिष्क ज्वर और दिमागी बुखार भी आता है, मलेरिया भी आता है, डेंगू भी आता है, कालाजार भी आता है, चिकनगुनिया भी आता है, तमाम अन्य प्रकार की बीमारियां भी आती हैं, जल जनित बीमारियां भी आती हैं और विषाणु जनित बीमारियां भी आती हैं। इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए भी हमें अभी से प्रयास करना होगा। और ये प्रयास, स्वास्थ्य विभाग का नंबर बाद में आता है, ग्राम पंचायत का नंबर पहले आता बचाव में। क्योंकि साफ सफाई, आपने प्रतिदिन तय कर लिया कि भाई मुझे अपने गांव को साफ रखना है, कोई गंदगी नहीं होगी, गांव का पानी नालियों से बहे लेकिन गांव की नालियां साफ सुथरी हों, सुबह साफ सफाई, दोपहर में सैनिटाइजेशन और शाम को फॉगिंग, अगर सप्ताह में ये 3 बार या 2 बार भी हो जाए तो गांव आपका दर्शनीय हो जाएगा, लोग वहां देखने के लिए आएंगे। तो साफ सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अपने गांव में सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, ये कार्य हमें गांव में करना पड़ेगा। अगर इन कार्यों को आप कर देंगे तो मलेरिया आपके गांव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मस्तिष्क ज्वर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, डेंगू कुछ नहीं कर पाएगा, और अन्य तमाम प्रकार की जो जल जनित बीमारी या विषाणु जनित बीमारी है या डायरिया है, हैजा है, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें केवल ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा मेरी आपसे अपील है, सरकार ने व्यवस्था की है कि हर गांव को शुद्ध पेयजल मिले, फिर भी अगर गांव में शुद्ध पेयजल नहीं है, हम अपने गांव में देख सकते हैं कि गांव में अगर लोगों को नल का पानी पीना पड़ रहा है, हैंडपंप का पानी पीना पड़ रहा है, पानी शुद्ध नहीं है, हम उसको गर्म करके छान करके पिए, आप देखना कोई डायरिया या हैजा नहीं हो सकता, कोई भी जल जनित अन्य बीमारी नहीं हो सकती। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, गांव पंचायत छोटी छोटी समूह बना करके गांव में इसके बारे में बताएं, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए अपने गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में कैसे हम विकसित कर सकते हैं। इसमें सरकार भी सहयोग, केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा गांव को दिया है, राज्य सरकार का पैसा, राज्य वित्त का पैसा भी आपके पास पड़ा हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायतों में पड़ा हुआ है, इस पैसे का सही सदुपयोग, मेरे गांव का विद्यालय साफ सुथरा रहे, उसकी बाउंड्री हो, मेरे ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होगा, मेरे गांव में जूनियर हाई स्कूल है तो उसकी साफ सफाई, रंगाई पुताई, मेंटेनेंस, चिकित्सालय है तो उसकी साफ सफाई, वहां पर जाने का सड़क कनेक्टिविटी, वहां पे बिजली, कहीं जल जमाव ना हो, विद्यालय हो, चिकित्सालय हो, पंचायत भवन हो, साफ सुथरे रहने चाहिए, वहां पेड़ नहीं उगे होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब गंदगी होती है, पेड़ उगे रहते हैं, तो लोग उसके बारे में गलत धारणा बनाते हैं, और हम लोगों को ये चीजें कतई नहीं होनी देनी है, इन चीजों को हम लोगों को वहां पे लोगों को बताना पड़ेगा। मेरी आप सबसे एक और अपील है कि हम अपने ग्राम पंचायत के अंदर, यद्यपि हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय यानी पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं, उसको ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करिए, जहां पर कार्य चल रहे हैं तेजी के साथ उस कार्य को संपन्न करवा करके ग्राम सचिवालय का निर्माण समय से करते हुए हम एक व्यवस्था सुनिश्चित करें कि ग्राम सचिवालय का कार्य समय सीमा के अंदर पूरा होने और उस कार्य को पूरा करने के साथ ही वहां पे कंप्यूटर लगाना, इंटरनेट का कनेक्शन देना, गांव के ही कुछ युवाओं को उसके साथ ट्रेनिंग दे देना, जो गांव के लोगों को ही कॉमन सर्विस की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवा सकें,
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स की ग्राम पंचायतों में भर्ती हुई होंगी या हो रही होंगी, उनको वहां पे बैठने की व्यवस्था करना, बहुत सारी गतिविधियां आप एक जगह से संचालित कर सकते हैं। गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोरोना के बारे में, मस्तिष्क ज्वर के बारे में, दिमागी बुखार के बारे में, मलेरिया के बारे में, अन्य कार्यों के बारे में भी 3-4 बार जानकारी दे सकते हैं। सुबह शाम अच्छे भजन राष्ट्रभक्ति के गीत लोगों के सामने बजा सकते हैं, लेकिन उसमें सबकी सहमति हो तभी करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो गांव में आप देखना कि गांव आपका शहर से अच्छा हो जाएगा। कोरोना के कारण लोगों के रोजगार पर कुछ असर पड़ा है और इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कुछ तय किया। जैसे केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का निःशुल्क खाद्यान्न हर नागरिक को देने की व्यवस्था की। मई का खाद्यान्न वितरित लगभग हो चुका है, एक आध दिन में सभी को मिल जाएगा। जून महीने में भी 15 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का खाद्यान्न मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से मई जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न हर एक नागरिक को मिलना है, हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए और वो सरकार देने जा रही है। हमारा प्रयास हो कि कोटे की दुकान में हर जरूरतमंद को उसके लिए स्वीकृत और अनमन्य खाद्यान्न जरूर मिले, उसमें घटतौली ना हो। अगर हम ये काम अपने गांव में बिना भेदभाव के करते, याद रखना आप ग्राम प्रधान बन चुके हैं, अब आपकी कोई पार्टीबाजी नहीं, जिसने वोट दिया वह भी, जिसने नहीं दिया वह भी, आपका अपना है। यह समय है जब आप लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, जो लोग आपका समर्थन किए होंगे उन लोगों के साथ आपकी सहानुभूति होगी, लेकिन कार्य पात्रता का जब मामला आएगा तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी का शौचालय, किसी का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, किसी गरीब को पेंशन देने की व्यवस्था, किसी विधवा को पेंशन देने की व्यवस्था, या फिर कोई गरीब है, बीमार है, कोई व्यवस्था नहीं, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनवाइए, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा उसको मिल सकती है, प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही उपलब्ध करवाया है। अगर कोई गरीब है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, कार्ड भी नहीं बना है, बीमार है, कोई आय का स्रोत नहीं, हम ग्राम प्रधान निधि से उसको 2000 रुपए तक की सहायता कर सकते हैं, यह व्यवस्था पहले से है। अगर किसी की दुखद मौत हुई है, निराश्रित है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, या परिवार की आय नहीं कि वो अंतिम संस्कार कर सके, 5000 रुपए तक की सहायता आप ग्राम प्रधान निधि से उसको कर सकते हैं। ये इतने अधिकार आप लोगों के पास हैं, अपने इस अधिकार का हमें सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन पात्रता का ध्यान रखते हुए। अगर हम इस कार्य को करेंगे, आप देखना आपकी लोकप्रियता उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी जैसे शिवचरण जी ने लखीमपुर खीरी में निर्विरोध प्रधान बनकर के वहां पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित, 4थी बार ग्राम प्रधान बने हैं। ऐसे ही आप सभी के साथ भी जुड़ेगा और हमें उस दिशा में बेहतर प्रयास करने होंगे। कोरोना कालखंड में सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हम हर व्यक्ति को इसके लिए सतर्क रखें, सावधान रखें, हर एक व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएं। गांव में आपको मैं एक और अपील करूंगा कि लोगों को बोलें कि वे टेस्ट करने से ना भागें। दूसरा, हम कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव का है उसको आप तैयार करवा लीजिए, सरकार उसमें सहयोग कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर में मेरी आप सबसे अपील है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराएं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग गांव के ही पंचायत भवन में भी वैक्सीन के सेंटर लेके जा रहे हैं, वहीं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर वहीं पे हमारी टीम जाएगी, वहीं वैक्सीन देगी गांव के लोगों को। तो गांव के व्यक्ति टेस्ट करने से भी ना भागें, वैक्सीन लेने से भी नहीं भागेंगे तो आप देखना कोरोना से सुरक्षा का ये कवच प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2-2 वैक्सीन अब तक लग रही हैं, आने वाले समय में तमाम अन्य नई वैक्सीन भी आने वाली है, ये हर एक व्यक्ति को सुरक्षा दे देगा, कोरोना फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बशर्ते हम स्वयं उसके प्रति सतर्क हो जाएं। तो आप सबकी बड़ी भूमिका है,
और त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी के रूप में ग्राम प्रधानों की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप सभी चुने गए, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन आप सबको आज प्राप्त हो रहा है, यह आपके लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से आप सभी अच्छा कार्य करें, इस विश्वास के साथ आप सबके सफल और मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।